पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में पूरा हिंदुस्तान योग कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान अंगड़ाई ले रहा है और हम सब के लिए गौरव का और गौरवान्वित होने का यह क्षण है कि हमारे पुरखों का विरासत राम कृष्ण बुद्ध महावीर शंकर यानी सृष्टि के आदि काल से यह अभियान चल रहा है और अपने पुरखों के विरासत को फिर से हम लोग संजोने का बचाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब हो रहा है? 21 जून को। ये 21 जून कोई साधारण दिवस नहीं है हमारे लिए। अब किसी को समझ में नहीं आता है तो अलग बात है। ये भारत के लिए और हम सब के लिए जब से सृष्टि है और जब तक का इतिहास है तब तक इतना बड़ा भारत के लिए विजय पर्व हुआ ही नहीं आज तक। हम अपने संस्कृति को, हम अपने विरासत को, अपने पूर्वजों के विधा को दुनिया के सभी देशों के साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूप में और संवैधानिक तौर पर ये मना करके आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया आज योगमय हो रही है तो इसे भारत का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? हमारे पूर्वजों का पुरखों का इज्जत बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो जब पूर्वजों का इज्जत मान जब विदेशों में बढ़ रहा है तो देश में भी बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो आज हम सब योगी होकर के युवत्व भाव से इसको सीखेंगे और करेंगे। ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों का चीज है, बीच में भूल गए थे। तो आइए मैं आपको आसन से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ।